1 लाख से अधिक आबादी वाले वाड़ी निवासियों को ऑक्सीजन बेड प्राप्त करने के लिए नागपुर में घर घर भटकना पड़ रहा है। वाड़ी शहर में कोई सरकारी अस्पताल नहीं होने के कारण गरीबों को निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। निजी अस्पताल गरीब मरीजों की आर्थिक हिसाब से बहुत से बाहर होते जा रहे हैं। इसलिए वाड़ी कोरोना कृति नियंत्रण समिति ने गुरुवार 24 सितंबर को मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले को तत्काल रोकथाम कोविड केंद्र शुरू करने की मांग की। इस उपलक्ष्य पर सर्वपक्षीय कृति समिति के प्रेम झाड़े, प्रकाश कोकाटे, हर्षल काकड़े, श्याम मंडपे, केशव बांद्रे और अन्य प्रमुखताओं से उपस्थित थे। पिछले 7 से 8 सालों से स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने स्थानीय नवनीत नगर में 100 बेड वाले सरकारी अस्पताल के लिए खाली जमीन पर मंजूरी दी, लेकिन यह एक बड़ी त्रासदी है कि वास्तविक काम आज तक शुरू ही नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवनीत नगर के सरकारी अस्पताल का काम ऊपर लेवल से ही रुका है। कृति समिति सदस्य प्रकाश कोकाटे ने कहा कि समिति के सभी सदस्यों शुक्रवार 5 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात करेंगे। निवेदन में कहा गया कि वाड़ी परिषद के तहत कोरोना पीड़ितों के लिए अस्थायी ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 50 बेड का कोविड उपचार केंद्र वाड़ी क्षेत्र में सभी निजी अस्पतालों के नियमित संचालन के लिए अनिवार्य निर्देश, अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों पर दंडात्मक कार्रवाई, कोरोना पीड़ितों का मुफ्त इलाज, ऑक्सीमीटर का प्रावधान वाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ नगर परिषद के कोरोना स्वैप केंद्रों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और जनशक्ति के तत्काल प्रावधान और शहर के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 50 से 100 बेड अस्पताल के लिए तत्काल काम की शुरुआत करें, ऐसा निवेदन शामिल है। नियंत्रण सर्वपेक्षक कृति समिति का निवेदन नगर पालिकेत प्राप्त झालेला आहे। त्या निवेदनानुसार ज्या मुख्यतः 2 मागण्या या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। या मागणीमध्ये आपल्या वाडी शहरासाठी एक तात्पुरता कोरोना केंद्र, ज्याला आपण म्हणू शकतो की CCC पेक्षा मोठा म्हणजे इंटेन्सिव्ह कोविड केअर युनिट, म्हणजे ऑक्सिजन युक्त 50 बेडचं हॉस्पिटल अस्थायी स्वरूपात स्थापन करण्याची मागणी या ठिकाणी केलेली आहे। सदर मागणी केल्यानंतर या मागणीप्रमाणे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे जे असणारे हॉस्पिटल्स, तात्पुरते हॉस्पिटल स्थापन करण्याचे अधिकार आहे, त्यासाठी आम्ही या कृती समितीची दखल घेऊन त्याचा प्रस्ताव आज पाठवतो आहे। NBCN न्यूज के लिए वाडीसे सौरभ पाटील की रिपोर्ट।